everyone, I make trending video editing tutorials or some other useful editing tutorials too. All the tutorial are for smartphone users. You can watch me to edit or recreate with your smartphone. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Follow me on social media for any queries. Link in description. Preview. हाँ तो ठीक है, ऐसे ही बनाने के लिए आपको अपना अलर्ट मशीन को ओपन करना है। और अलर्ट मशीन आपको कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम में मिलेगा। तो मैंने इंट्रो में ही बता दिया था कि सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है और यहाँ पर क्या करना है, ब्लेंडिंग में आके, डिफ्रेंशिएशन में आके सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, एंड एड इफेक्ट में जाकर आपको कॉपी बैकग्राउंड कर देना है। ठीक है, एंड फिर गेशियन ब्लर ले लेना है। गेशियन ब्लर को आप 320 तक रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से एक और ऐप वो इफेक्ट को ऐड करना है, एक्सप्लोजर एंड गामा। ठीक है, एंड एक्सप्लोजर एंड गामा को लेने के बाद एक्सप्लोजर को -1.0 कर देना। ठीक है, एंड जैसा है उसको छोड़ देना। फिर क्या करना, एक और रेक्टेंगल बॉक्स लेना जिससे कि वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप वीडियो को नहीं देख पाएंगे। और अब आपको एक शेप ले लेना है, यहाँ से शेप ले लेते हैं। एंड शेप लेने के बाद इसका कलर क्या करना है, आपको ब्लैक रख देना है। फिर ब्लेंडिंग में आना और यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट में आना, इधर वाइड लाइट का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो वाइड लाइट को आप ऑन कर देना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर से एक और रेक्टेंगल बॉक्स लेना है, फिर से आपको इफेक्ट के अंदर आना है एंड फिर से कॉपी करना है। ऐसे ही कॉपी करते रहना, पूरी ज़िंदगी कॉपी करते हुए निकल गई मेरी। और फिर एड इफेक्ट में आना, ठीक है, एंड फिर ग्रेडियंट में जाना। ठीक है, ग्रेडियंट आपको कहाँ मिलेगा, ये अलाइट मोशन में मिलेगा भाई। तो अलाइट मोशन में जाने के बाद इधर दो कलर मिलेंगे, एक तो ऑरेंज मिलेगा, एक तो पीला मिलेगा। तो ब्लैक बना देना जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं और वाइट कर देना। ठीक, फिर नॉर्मल है तो मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीपल कर देना। ठीक है, एंड अब क्या कर देना, एक्सप्लोजर को ऐड कर देना। फिर एक्सप्लोजर को क्या कर देना, जैसे माइनस किया था 1.0 से, अब वैसे ही प्लस कर देना 1.40 तक। फिर उसके बाद क्या करना, शार्पन ले लेना। शार्पन जैसे शार्पन वाली, शार्पनर मत ले लेना, शार्पन लेना। ठीक है, फिर उसको 1+ होगा उसको 0.15 कर देना। ठीक है, फिर क्या कर देना, फिर क्या करना है आपको, अरे फिर एक और इफेक्ट लगाना है जिससे वीडियो एनहेंस होगा। फिर एड इफेक्ट में आना, उसका चैनल रिमैप कर देना और चैनल के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चैनल में स्टैंडर्ड सेटिंग में आना और यहाँ पे थर्ड रो पे बी पे होगा तो उसको जी पे कर लेना। फिर से एड इफेक्ट में आना, फिर से चैनल कर लेना, फिर से सब्सक्राइब कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और सेकंड रो में जी पर था उसको वाई पे कर देना। फिर उसके बाद क्या करना है, एड इफेक्ट में फिर से आना है, फिर इधर आपको सैचुरेशन ले लेना है। ठीक है, एंड सैचुरेशन लेते लेते आपको सैचुरेशन को 1.40 कर देना है। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मैं विदाउट माइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ही ट्रेंडिंग लाने वाला हूँ। और जितना भी ट्रेंड्स है वो आपको, जो भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं और मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ लगे हाथ मैंने अपना प्रोमो भी कर दिया है। ठीक है, और मैंने एक और नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, वो आप मेरे टेलीग्राम पर देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना, क्या करना यहाँ पर अपनी क्या करना, यहाँ पे मैंने वाटरमार्क पहले से ऐड कर दिया है। अब आपको अपना वीडियो ले लेना है, जो भी आपको CC लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ये देखिए एक नॉर्मल फुटेज है। ठीक है, अब ये देखिए HDR हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो बन गई है, इसको सेव कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।